शादी ब्याह की एक पर्टिकुलर एज होती है जो हर परिवार के अनुसार अपनी अपनी एज होती है। उस एज के अंदर अगर शादी हो जाए फिर तो बहुत बढ़िया, और अगर वो एज निकल जाए यानी शादी ब्याह में डिले आने शुरू हो जाए तो ये चीज़ घर वालों को तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती ही करती है, उनको तो स्ट्रेस देती देती है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में विलंब आ रहा है, लड़का या लड़की, ये उनको और ज़्यादा बुरे तरीके से प्रभावित करती है। कई बार देखा गया है कि शादी की एज एक्सेसिवली डिले होने से उनको एक अजीब सा डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, वो लोग सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या ये चीज़ उनके स्वभाव में भी नज़र आती है। किसी हद तक ये सही भी है, लेकिन आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि दरअसल ऐसे कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हैं, ग्रहों के ऐसे कौन से योग हैं जो शादी ब्याह में ऐसे अननेसेसरी डिले दे देते हैं हर चीज़ के सही होते हुए भी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। मैंने पिछले एक अपनी शादी के विलंब वाले वीडियो में ये चर्चा की थी कि दरअसल घर के वास्तु में ऐसी कौन सी खराबियां हो सकती हैं जिसकी वजह से शादी में डिले हो जाता है, फिर वो वास्तु की गलतियां चाहे हमने जाने अनजाने में ही क्रिएट कर दी हों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस जानकारी को भी ज़रूर देखिएगा। खैर, चर्चा को यहाँ कंटिन्यू रखते हैं कि किस तरह से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की खराबी जो है शादी ब्याह में अननेसेसरी डिले देती है। शादी ब्याह है क्या? शादी ब्याह है मंगल कार्य, और मंगल कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मंगल ग्रह सही नहीं होते। तो शादी ब्याह की बात सही चले, शादी में विलंब ना हो, कोई भी डिले ना हो, उसके लिए बर्थ चार्ट में सबसे पहले मंगल ग्रह का, मार्स का सही होना बहुत ही जरूरी है। अगर बर्थ चार्ट में मंगल खराब हो रहे हैं ना, तो यकीन मानिए रिश्ते की बात शुरू ही नहीं होगी। अगर बर्थ चार्ट में मंगल खराब हो रहे हैं तो क्या होगा कि सामने वाली जो पार्टी है, लड़का या लड़की वाले जो भी हैं, वो बात करते करते एकदम से बात बीच में टूट जाती है, वो एकदम से साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ती, या फिर कोई एक अच्छा रिश्ता ही सामने नहीं आता, जो हमारा अपना सामाजिक स्तर होता है उस लेवल तक का रिश्ता ही नहीं आता। मंगल की खराबी की वजह से क्या होता है कि रिश्ता मेच्योर हो ही नहीं पाता, कई बार 99% तक बात पहुंचाती है, वो बात एकदम से रुक जाती है। ये सब मंगल की खराबियों की वजह से होता है। बर्थ चार्ट में मंगल किस तरह से खराब हो सकता है? बर्थ चार्ट में जब भी मंगल बुध के साथ होगा, बर्थ चार्ट में जब भी मंगल केतु के साथ होगा, तो ये मानिए कि मंगल खराब है, या मंगल के घरों में बुध या केतु होंगे तो भी मंगल को खराब माना जाएगा। यूं तो मंगल की खराबी कई वजहों से होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजहें हैं वो ये हैं कि किसी ना किसी तरह से मंगल का अपने दुश्मन बुध या मंगल का अपने दुश्मन केतु के साथ कोई ना कोई रिलेशन बन रहा हो। ऐसी वजहों में देखा गया है कि शादी में अनड्यू डिले बहुत ज़्यादा होता है। मंगल वास्तु में क्या है? मंगल हमारी लाइफ में क्या है? मंगल है रसोई की आग, ये मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर घर में किचन भी सही जगह पे नहीं बनी हुई है, और वो जिनकी शादी होनी है उनके बर्थ चार्ट के साथ मैच नहीं कर रही है, तो भी उनके बर्थ चार्ट में मंगल का प्रभाव खराब हो जाता है, और ये एक बड़ी छिपी हुई वजह है जिसकी वजह से शादियों में डिले होता हुआ देखा गया है। तो जिनकी शादी में डिले हो रहा है उनके बर्थ चार्ट को देखिए, उनके मंगल को देखिए, देखिए उनके मंगल बर्थ चार्ट में कौन से घर में बैठे हुए हैं, और कहीं रसोई जो है उस खराब मंगल की दिशा में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर रसोई को ट्रीट करना पड़ेगा उसकी दिशा के साथ, तभी वो मंगल सही हो पाएंगे, तो शादी ब्याह की जो बात है वो सही तरीके से सिरे चढ़ेगी, नहीं तो गैर जरूरी डिले आते ही रहेंगे। फिर शादी की जो बात है ना, ये सांप सीढ़ी का खेल बन जाएगी कि जहां 99 पे आके एक ऐसा सांप मिलता है जो वापस 2 पे ले आता है। तो ये तो बात थी मंगल की कि किस तरह से मंगल जो है वो शादी ब्याह में डिले देते हैं। अब मंगल के साथ साथ कई और ऊर्जाएं हैं जो अगर बर्थ चार्ट में खराब हों तो शादी ब्याह में डिले होते हुए देखे गए हैं। इनमें और एक बड़ी प्रमुख ऊर्जा है, वो है सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन ग्रहण दोष बनाता है। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन अगर फर्स्ट हाउस में हो जाए ना, तो शादी ब्याह के मामले में श्राप दोष का निर्माण करता है। किस तरह से? जिनके भी बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, उनकी शादी ब्याह में बहुत गैर जरूरी डिले आएंगे। फिर वो लोग चाहे जितने मर्जी वेल अर्निंग हो, बहुत कमा रहे हों, बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हों, चाहे जितने मर्जी खूबसूरत हो जाएं, उनकी शादी में ऐसे ऐसे डिले आएंगे कि उनको भी एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा कि भैया हमारे में आखिर खराबी क्या है। उनको समझ ही नहीं आएगा कि शादी ब्याह में डिले क्यों हो रहे हैं। कई बार उनकी बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है कि दरअसल हम जो सामने वाली पार्टी को
पसंद क्यों नहीं आ रहे, क्यों कोई हमसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाह रहा। तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जो है ये भी शादी में ऐसे डिले देता है, वो डिले जो बूझे ही ना जा सकें, जिनका पता ही ना चले कि ये डिले क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको उपाय भी बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसे कॉम्बिनेशन हो तो हम उपाय क्या क्या कर सकते हैं। और अब एक चर्चा करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए, सातवां घर है शादी का घर, और सातवें घर का जो नेचुरल कारक है वो शुक्र है। शुक्र का ग्रह है रिश्तों का, शुक्र ग्रह है रिलेशनशिप का, और जब तक शुक्र भी सही नहीं होंगे ना तो रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं। जब तक शुक्र सही नहीं होंगे ये रिश्ता जुड़ने के बाद आगे चलेगा भी नहीं। तो शुक्र का सही होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी मैरिजेज में गड़बड़ होती है ना तो उनमें भी शुक्र की खराबी ही एक मुख्य वजह होती है। खैर, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि ये चर्चा एक बहुत लंबी चर्चा रहेगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि शादियों में डिले क्यों होते हैं। जब भी सातवें घर में यानी शादी के घर में शुक्र के शत्रु ग्रह आ जाएंगे, शुक्र के दुश्मन ग्रह आ जाएंगे, तो भी शादी होने में विलंब होगा। तो शुक्र के दुश्मन ग्रह कौन से हैं? अगेन, शुक्र के दुश्मन ग्रह हैं राहु, शुक्र के दुश्मन ग्रह हैं सूरज। जब भी सातवें घर में सूरज या राहु का किसी ना किसी तरह से दखल आ जाएगा तो भी शादी में डिले होते हुए देखे गए हैं। अगर बर्थ चार्ट में कहीं पर भी शुक्र सूर्य राहु इनमें से कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो भी शादी में जानिए डिले होगा ही होगा। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कारण हैं जिनकी वजह से शादी में डिले होते हुए देखे गए हैं। और अब हम चर्चा करते हैं कि अगर ये डिले हो रहे हैं तो हम इनका हल किस तरह से कर सकते हैं। अगर तो बर्थ चार्ट में मंगल खराब है, देखिए मंगल की खराबी सबसे सेंसिटिव इशू है, तभी मैंने इसको वीडियो के शुरू में रखा था। अब मंगल की खराबी को ढूंढना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि किसी काबिल एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को ज़रूर चेक कराइए जिनके बर्थ चार्ट में शादी के डिले आ रहे हैं। और अगर मंगल की खराबी को ढूंढ लिया जाता है तो फिर उस मंगल के उपाय करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जेनेरिक रेमेडी बताता हूँ जो मंगल की खराबी किसी भी तरह की हो उसमें आपके लिए 100% काम करेगी। वो है मंगल के दोस्त बृहस्पति की मदद लेना। जी हाँ, शरीर पे सोना धारण करना या डेली केसर का तिलक जो है उसको माथे पे लगाना, ये मंगल की खराबी को बहुत हद तक निल करता है, बहुत हद तक कंपनसेट करता है। तो जिनके भी मंगल बर्थ चार्ट में खराब हैं, ये मंगल की खराबी आप मेरी निशानियों से भी आप जान सकते हैं जो मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में बताई थी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डेली माथे पे केसर का तिलक लगाइए या शरीर पे सोना परमानेंट धारण करके रखिए, ये मंगल की खराबियां बहुत हद तक जो हैं कंट्रोल होती हुई नज़र आएंगी। सूर्य राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो क्या करना होगा? तब आपको सूर्य की जो चीज़ें हैं उनको मंदिर में डोनेट करना होगा। तो सूर्य की चीज़ें कौन सी हैं? कॉपर सूर्य की चीज़ है, गुड़ सूर्य की चीज़ है, या जो गेहूँ होता है ये भी सूर्य की चीज़ है। तो कॉपर का एक लोटा लीजिए, उसमें गेहूं भरिए, ऊपर गुड़ रखिए, इसको हर संडे यानी संडे का दिन भी सूर्य का दिन है तो संडे वाले दिन लगातार 7 संडे मंदिर में रख के आइए। इन 7 संडे में आप देखेंगे कि जो जो रिश्ते की बात रुकी थी वो चल पड़ी है या कुछ नई ऐसे रिश्ते की बात आई है जो चट मंगनी पट ब्याह तक भी पहुँच गई है। और इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र को सही कैसे किया जाए। भाई, शुक्र को सही करने का एकमात्र इलाज है गाय। गाय को ज्वार खिलाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय की सेवा करिए। गाय की सेवा करने से शुक्र जितने मर्जी अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठे हों, ये एक तरह से री एनर्जाइज हो जाते हैं रिश्ते की बात को अपने सही अंजाम तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों देखिए, बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स जो हैं बहुत बारीकी से कुछ कॉम्बिनेशन लेके बैठे होते हैं, और अगर आपको उनको पूरी तरह से सॉल्व करना है, मैं बार बार यही कहूँगा कि उनको आप किसी भी काबिल एस्ट्रोलॉजर से चेक ज़रूर करवाइए। लेकिन ये जो मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं ये भी 24 कैरेट सच जानकारियाँ दी हैं, ये पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारियाँ हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये जान जाइए कि आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जानकारी जिन जिन की शादियों में विलंब हो रहा है उनके बहुत काम आने जा रही है। जस्ट इस वीडियो को एक बार ढंग से देख के इन जानकारियों को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए जिससे आपकी शादी के जो विघ्न हैं वो दूर हो सकें। तो आज का वीडियो यही तक था, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।